नमस्ते, मेरा नाम है आसिफ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी काजू पनीर मसाला। तो ये एक स्टेप मैंने कर लिया है कि ज्यादा वीडियो मेरा लंबा ना हो जाए। ये मैंने क्या किया है, तेल में 2 बड़ी साइज की प्याज डाला है, जो थोड़ी मैं बोली जल्दी लाल होने लगे, नहीं तो फिर बेचारी जल्दी लाल नहीं होती। और क्या किया है, 100 ग्राम पनीर लिया है, बट ये अलग से डेकोरेशन के लिए, इसको मैंने फ्राई नहीं किया। इतने पनीर को अलग से काट के रखा है और इतने पनीर को मैंने काट लिया, मतलब फ्राई कर लिया है, जो मैं अंदर ऐड करूंगी। और ये काजू है, अभी कितने नंगे वो गिनी नहीं, बट एक काजू के 2 पीस करके मैंने उनको भी फ्राई कर लिया है तेल में, गैस तेल में। तो बस अभी सिंपल है, बहुत कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। अभी सब खड़े मसाले डालती हूँ। पंजाबी डिश है तो थोड़ी रिचनेस होगी। ये एक तेज पत्ता है, एक इलायची है, दालचीनी है, 3-4 लौंग और 3-4 काली मिरी है। कौन कौन काजू पनीर मसाला में क्या करते हैं, काजू की पेस्ट भी ऐड करता है। 2 टाइप से हो सकते हैं, अगर आपको काजू की पेस्ट ऐड करना तो वो ऐड करना, नहीं तो फिर घर की मलाई और क्रीम भी चल सकती है। अभी इसमें ये मैं काट के रखी थी एक हरी मिर्ची, वो डालती हूँ। और ये 6-7 करी लहसुन, नमक एंड अदरक की पेस्ट है जो मैंने कूट के ही रखी है। और हाँ, नमक डाला है मैंने। फिर सब बोलते आसे फुन तो नमक डालना तो भूल गए, तो मैंने नमक डाला है। वो सिंपल है, इतना है नहीं, एंड होटल में वो जाते हैं तो प्राइस उनके बहुत हाई रहते हैं, तो सेम रिजल्ट आ सकता है घर में। साथ में ये मैंने 3 टमाटर है जो कच्चे थे, उसको मैंने पेस्ट बनाई है, प्यूरी किया है। अभी ये टमाटर के साथ सब मसाले भी ऐड कर दूंगी, ताकि जितना भी कच्चापन है वो सबका भी अच्छे से भुन जाए। ये क्या क्या है वो बता दूं, ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर है। अगर आपके पास हो तो किचन किंग मसाला 1/2 चम्मच डालना, मेरे पास था। अगर नहीं है तो चल सकता है, बट पंजाबी डिश में किचन किंग मसाले यूज करते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच जितनी कसूरी मेथी है, मैं ज्यादा नहीं डालती। अगर आपको डालना तो 1 चम्मच डालना, बट मेरे भाई को पसंद नहीं है कसूरी मेथी। एंड 1 चम्मच गरम मसाला है और 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है। ये सब मसाले ऐड करती हूँ और दरवाजे पे पप्पा आए हैं तो दरवाजा खोल के आती हूँ। आप देख सकते हैं सब मैंने मसाला डाल दिया है। रेसिपी के वक्त कुछ तो होता है, अच्छे से मसाला भुन जाएगा। आपको अभी भी एडवाइस देती हूँ, अगर आपके पास किचन किंग मसाला हो तो याद से डालना, बिकॉज पंजाबी डिश में किचन किंग मसाले ऐड करते हैं। एंड गरम मसाला भी डालना और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हो। अगर आपके पास काजू की पेस्ट डालना तो आपने जो टमाटर की पेस्ट, टमाटर को मिक्सर में क्रश किया था ना, उसके साथ 10-12 नंग काजू भी ऐड करके पीस देना। बट मैं काजू की पेस्ट ऐड नहीं करने वाली, मैं क्रीम यूज करने वाली हूँ। बट अभी क्रीम ऐड मत करना, अभी क्या करना, इसमें थोड़ा मैं पानी ऐड करती हूँ, ताकि जितना भी मसाला ना, पंजाबी डिश में क्या रहते हैं, मसाले को बहुत अच्छे से वो भूनते हैं, ताकि उसकी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी निखर के आए। और ये डिश का मैंने पप्पा ने संडे से बोला था, आसे कुन काजू पनीर मसाला बना, सो वोज बना रही हूँ। और सब पनीर भी फ्राई कर सकते हो, बट वो जो मुझे थोड़ा डेकोरेशन अलग से करने का है, कुछ दिमाग में आइडिया आया है सो करने वाली हूँ, तो मैंने थोड़ा पनीर फ्राई किया है, पनीर 100 ग्राम है बस। एक छोटा कप जितना पानी किया है, अभी इसको ढक के रखते हो, बिकॉज फिर गैस बहुत मेरा गंदा होता है, तो इसको ढक के 5-7 मिनट रखते हो। 5 से 7 मिनट हो गई है और आप देख सकते हो मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल भी छूटने लगा है। अभी ये स्टेज पे मैं ये डाल देती हूँ मलाई, 2 चम्मच जितनी घर की मेरी मलाई, बिकॉज इससे क्या होगा, जो क्रीमिनेस जो हम होटल में वो खाते हैं, सेम वैसा रिजल्ट आएगा। अगर आपको काजू की पेस्ट ऐड करना है तो फिर क्रीम यूज मत करना, मीन्स घर की मलाई यूज मत करना, बट मैं काजू की पेस्ट की जगह ये यूज कर रही हूँ, घर की मलाई।
सो आई होप सो यू लाइक दिस माई वीडियो, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, भूलना मत, भूल जाते हो आप। मसाला तो बहुत अच्छे से भुन गया, तभी इतना मुझे कुछ पकाना है नहीं। आप देख सकते हो लुक वेरी नाइस ना, बस अभी ये जो फ्राई किया था पनीर ये डालती हूँ। ये फ्राई किए हुए काजू, थोड़े डेकोरेशन के लिए काजू रखती हूँ। देख सकते हो सेम होटल जैसा रिजल्ट है। इसको एक से दो मिनट और पकाती हूँ, तब तक मैं कोथमीर काट लू, कोथमीर फ्रिज में से निकाली नहीं। देख सकते हो काजू पनीर मसाला हमारा तैयार है, मम्मी ने कोथमीर डाल दिया है, तो गैस को मैं बंद करती हूँ। एंड वेरी इजी सिंपल है, घर के मसाले है, कुछ ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। होटल अच्छे होटल में या हम ढाबे में जाते हैं तो अच्छे पैसे लेते हैं, वेरी इजी सिंपल है। और तो वो तो मैंने डेकोरेशन के लिए इतना पनीर रखा है, बट आप वो सब भी ऐड कर सकते हो। बे सर्विंग बाउल में निकालती हूँ, सो लुक वेरी नाइस ना। एंड पंजाबी डिश रहती है ना, तो थोड़ा ऑयल घी बटर मतलब तेल ज्यादा रहता है। अगर आपको इतना तेल नहीं पसंद तो आप मत डालना, बट थोड़ा रहता है। और खड़े गरम मसाले से टेस्ट अच्छा आता है। सो मुझे कमेंट में बताना जरूर कि आपको ये डिश कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी। अभी ये मैंने सोचा है, सो ये हमारा पनीर को जो मैंने, ये मेरे क्यूब्स है जो मैंने फ्राई नहीं किए थे, सो इसको क्या करती हूँ टेबल का शक्ल देती हूँ। ये हमारी टेबल हुई, और चेयर बनाती हूँ। पसंद आया कि नहीं है मुझे कमेंट में बताना। चलो किसी को डेकोरेशन करके देते हैं ना तो मतलब अच्छा लगता है, एंड घर में भी सर्व करते तो सब तारीफ करेंगे, डेफिनेटली आपकी करेंगे। मुझे याद से कमेंट में बताना किसने आपकी तारीफ की नहीं की। ये वो लुक देख सकते हो, सच्ची बोलो टेबल कुर्सी लगता है कि नहीं लगता। एंड काजू में थोड़े रखे थे एक्स्ट्रा कि ऊपर जगह दिखाई दे। तो आई होप सो यू लाइक दिस। और थोड़ी कोथमीर भी काट के रखी जाए मम्मी ने, मम्मी बोली फिर तू भूल बहुत जाती है। सच्ची में भूल जाती हूँ, कोथमीर मुझे याद कम से रहती है। टेबल को थोड़ा सजा लो। अच्छी लगती है ना, और ये जरा क्रीम है। तो सच्ची बोलना कि आपको ये काजू पनीर मसाला कैसा लगा। ये इतने संडे से पापा बोल रहे थे ऐसे फोन बना बना, बट संडे को मुझे टाइम नहीं था तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। सो इसके लिए पापा के लिए भी नहीं बनाई। फिर मेरा भाई हंसता भी है, ऐसे फोन सबकी डिमांड पूरी करती है, घर की डिमांड नहीं करती। आई होप सो यू लाइक दिस माई वीडियो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना आसिफ अंडेरा, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। और इसको तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ ये डिश बहुत अच्छी लगेगी। ओके बाय बाय।